आपको मालूम है कि हजरत उमर पर उनके कुर्ते के एतबार से जो है वो तनकीद हो गई थी। तनकीद करने वाला कौन था? सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया सलमान मिन्ना आहले बैत, ये तो हमारे अहले बैत में से है, इतना करीब। हुजूर हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं और वो कहते हैं खड़े होकर ला समा वला ता, ना सुनेंगे ना इताअत करेंगे, कलमाए बगावत है, तो कोई नागवारी का एहसास नहीं। समझ में आप में बात हो रही है, क्यों क्या बात है? ये जो कुर्ता आपने पहना है ये उन जमनी यमनी चादरों से बना है जो माले गनीमत में आई थी, और जितनी का टुकड़ा जो है हर मुसलमान को मिला उससे कुर्ता नहीं बनता, और आप है भी तवीलुल कामत, आपका कुर्ता कैसे बन गया? फरमाते हैं अब्दुल्लाह से अपने बेटे से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुल्लाह तुम वज़ाहत कर लो। वो खड़े होकर कहते हैं ना मेरा कुर्ता बन रहा था ना अब्बाजान का, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अब्बाजान को दिया है उससे ही कुर्ता बना, अल आन नस्मा व नुती, बस अब उसके बाद आप फरमाइए, आप जो कहेंगे सुनेंगे और इताअत करेंगे। ये मुतवाज़ित निज़ाम, न डिक्टेटरियत है कि कोई बोल नहीं सकता, तुम और हाकिम वक्त पर तनकीद कर रहे हो और बड़बड़ा कर रहे हो। एक औरत पकड़ लेती है हज़रत उमर को रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर ने ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया था कि इतने से ज्यादा इतनी रकम से ज्यादा मेहर नहीं रखा जा सकता। कब उमर तुम कौन होते हो हमारे हक के ऊपर पाबंदी लगाने वाले, जब कुरान में है वात है तुम वेदा उन्ना किंतारन, चाहे तुमने अपनी किसी भी को ढेरों सोना दिया हो तब भी तलाक की शक्ल में वापस नहीं दे सकते, किंतार कह रहा है, आप कौन रोकने वाले? और हजरत उमर फरमाते हैं आज एक औरत ने उमर को दीन सिखाया, ऑर्डिनेंस वापस। इसी तरीके का मामला हजरत उमर का ही इश्तिहाद था कि ये जो जमीनें इतनी बड़ी बड़ी जो है सवाद इराक ईरान मिस्र सब फतह हो गए, चंद हजार साहबा, अब मतालबा यह था कि ये माले गरीब होते हमारे अंदर तकसीम कर दीजिए। जैसे हुजूर ने गज़वा खैबर में जो जमीनें थी यहूदियों की वो मुजाहिदीन में तकसीम कर दी थी, दलील मौजूद, दलील भी सुन्नत रसूल से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर की हिकमत कुछ और कह रही है, ये बात तो मैं अपने अंदाज से कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया तो तारीख इंसानी की सबसे बड़ी जागीरदारी कायम हो जाएगी, कितने बड़े बड़े रकबे जो है सहाबा को मिल जाए। लेकिन उन्होंने जो बात बयान की वो ये थी अगर ये सारा तकसीम हो गया तो बाद में आने वालों के लिए क्या रहेगा, और जो फौजियां अब हमें पूरे निजाम के लिए रखनी पड़ेगी उनको कौन सपोर्ट करेगा, उनके लिए कहां से खर्चा आएगा? तो उन्होंने तय किया कि ये माले जो है फै माले फै है, ये बैतुल माल का है, जो माले गनीमत है वो सिर्फ वो होगा जो ऐन महाज पर हासिल हुआ है, हथियार हैं या भेड़े बकरियां हैं या और जानवर हैं, या वहां पर जो पकड़े जाएंगे कैदी वो गुलाम होंगे, वहां पर अगर औरतें होंगी पकड़ी जाएंगी खरीदें होंगी, ये नहीं कि पूरे पूरे मुल्क जो है वो गुलाम बना दिए जाए और पूरे पूरे मुल्क की जो जमीनें तकसीम कर दी जाए। बाद साहबा खड़े हो गए नहीं, अब हजरत उमर ने ट्रिब्यूनल कायम किया है, पांच साहबा औस में से पांच खंजर में से बैठ जाइए, वहां अपना भी वो पेश किया नुकता नजर, बाकी उन्होंने भी किया, वो ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि उमर की राय सही है रजी अल्लाह तआला। ये निजाम सैयदुल कौम खादिमुहुम, ये अगर कोई कहता, अगर ये मिसालें ना होती तो कहते क्या तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, ये शायरी तो तुमने अच्छी करनी है, सैयदुल कौम खादिमुहुम कभी हुआ है? लेकिन उमर ने बन के दिखाया, रात के गश्त पर है और एक औरत के कराने की आवाज आई है, मालूम हुआ कि दर्द ज़हन में मुब्तला है, कोई उसके अटेंड करने वाली कोई खातून नहीं है, घर से गए हैं फर्स्ट लेडी अपनी एरिया को लेकर आए हैं, उन्होंने अटेंड किया है और उसके बाद बच्चा हो गया तो अंदर से उनकी अहलिया का अमीरुल मोमिनीन मुबारक को बेटा हुआ है। एक और दफा इसी तरीके से गश्त पर थे, एक घर में से बच्चों के रोने की आवाज आई, मालूम किया कि खातून है और बच्चे हैं, खाने को कुछ है नहीं। उस खातून ने कहा मैंने ये आग के ऊपर जो है हांडी रखी उसमें पानी है और बच्चों को मैं बहला रहा हूं, बहला रही हूं कि कुछ पक रहा है, ठहरो जरा सब्र कर लो, इसी तरह सो जाएंगे भूखे। कांप गए, गए बैतुल माल से और बोरी गंदुम की लेकर अपने कंधे पर, अपने गुलाम से कहा मेरे कंधे पर रखा, उसने कहा मैं ले चलता हूं हुजूर, नहीं कयामत के दिन तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकोगे, और वो अपने कंधे पर लाद कर लाए हैं और वहां खाना तैयार करवाया, बच्चों को खिलाया है। ये निजाम, यह है रहमतुल्लिल आलमीन का मजहर, ये जान लीजिए,
سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جدوجہد کا دور ہے، اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں للی ان بلوم۔ نظام اسلام، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت۔ مساوات کا اندازہ آپ کر سکتے؟ کوئی خلیفہ وقت سفر کر رہا ہے بیت المقدس کا، کتنے کئی سو میل، میرے کم سے کم 500 میل تو ہوگا مدینے سے بیت المقدس۔ ایک اونٹنی ہے، ایک خادم ساتھ ہے، اسی اونٹنی کے اوپر راشن بھی ہے راستے کا، لہذا ایک وقت میں ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں اور خادم آگے چل رہا ہے نکیت پکڑ کر، ایک اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے جو ہے نکیت پکڑ کر چل رہا ہے۔ جب آخری منزل آئی تو وہ خادم کی باری تھی اوپر بیٹھنے کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، مجھے کہیں گے تمہاری یہ جرت؟ فرمایا نہیں، دوڑو دوڑو نہیں، یہ تو حساب کا معاملہ ہے، میتھمیٹکس کا معاملہ ہے، یہ تمہاری باری ہے، بیٹھو۔ یہ بلندیاں، یہ عظمتیں، یہ عدل، یہ انصاف، اور پھر یہ کہ موریا نشین کوئی محل نہیں، ایک آیا ایرانی مدینے میں چکر لگایا، کوئی انہیں محل نظر نہیں آیا، اسے پوچھا ہے اینا ملک حکم تمہارا بادشاہ کا ہے، جواب دیا گیا لیسا لنا ملک ملنا امیر، ہمارا کوئی ملک ملک نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے۔ کہاں ہے تمہارا امیر بھائی؟ وہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، سب تلاش کر چکے نہیں ملا، ہمارا خلیفہ خود گیا ہے، کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ تو دیکھا دوپہر ہو گئی تھی، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر اپنے درے کو اپنے گردن کے نیچے رکھ کر ایک درخت کی چھاؤں میں آرام کر رہے ہیں، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے۔